हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो X90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो कैसे आती है। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन का जो स्टोरेज होता है ना, इंटरनल स्टोरेज फ़ोन का, वो लगभग जो है फुल हो जाता है या फिर बिल्कुल फुल हो जाता है, तब जाके हमारे मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको है ना फोन गैलरी को ओपन करना है। ठीक है, फोन गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियोस होंगी ना, फालतू का डेटा जितना भी होगा सारा आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, जितना भी फालतू का डेटा होगा, ठीक है, इससे आपकी स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है ना, इन सभी ऐप्स को आपको पहले तो रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट कैसे करेंगे, देखिए आपको जो है ना किसी भी ऐप को उंगली से दबा के रखना है, तो एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा मिलता है या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा उसे टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पर टैप करना है, तो नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पर टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आपको मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद ना आपको अगला काम करना है क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना, उन सभी ऐप्स को आपको हटा देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके मोबाइल फोन के जो सभी ऐप्स होते हैं मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड रहते हैं, यानी कि आपके फोन के स्टोरेज कवर करते हैं। ठीक है, तो आप फालतू के ऐप्स को हटा देंगे ना, तो आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला काम करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन के काफी सारे ऐप्स में ना बैकअप की सेटिंग मिलती है, तो वो बैकअप की सेटिंग आपको बंद करनी है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, देखिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूँ। इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर है, इसे टैप करना है, तो यहाँ पर ये वाला पेज ओपन होगा ना, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये मेरा पहले से बैकअप ऑफ है। अगर आपकी बैकअप की सेटिंग चालू रहती है तो इसे बंद कर देना है, तो जिस ऐप के अंदर बैकअप की सेटिंग चालू है उसे आपको बंद कर देना है। ठीक है, अब तो ये हो गई ऐप्स की बैकअप की सेटिंग की बात, अब मोबाइल फोन के बैकअप की सेटिंग बंद करनी है। कैसे, देखिए मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको है ना सबसे नीचे सिस्टम पे आपको टैप करना है, सिस्टम के अंदर आपको ये बैकअप एंड रिस्टोर पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑटोमेटिक रिस्टोर के सामने वाला बटन अगर आपका चालू है तो इसे बंद कर देना है, क्योंकि देखिए मैं आपको बैकअप की सेटिंग या बैकअप की सेटिंग बंद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैकअप अगर चालू रहता है ना, तो हमारे फोन का जो स्टोरेज है वो धीरे धीरे भरता रहता है और आप हमारे फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो बार बार आती रहती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों तरफ से बैकअप की सेटिंग बंद कर देनी है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो है रीसेट कर देना है। ठीक है, मोबाइल फोन को आपको रीसेट तभी करना है अगर आपको जरूरत लगती है तभी रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपको मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा इसे टैप करना है, इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको है ना मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में पहले तो ट्रांसफर कर लेना है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए सारे प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।